तो कर्नाटक में कल वोटिंग होनी है, लेकिन वहां मतदान से पहले एक नया विवाद शुरू हो गया है। बजरंग दल और बीजेपी के देशव्यापी चालीसा पाठ पर कर्नाटक ईसी ने एक्शन लिया है। कर्नाटक में चालीसा पाठ पर ईसी ने रोक लगा दी है। बेंगलुरु में ईसी की टीम ने चालीसा पाठ रोका। इस दौरान ईसी ने आचार संहिता का हवाला दिया और नहीं मानने वालों पर एक्शन की बात कही। वहीं बजरंग दल हनुमान चालीसा पाठ पर अड़ा हुआ है। हिंदुओं पर टारगेट का भी आरोप लगाया जा रहा है। Section is there. Okay. They should not gather here. Hmm. But they are gathering and doing bhajna. We are not opposing their bhajna. Okay. They are doing bhajna. So we are telling them to stop. Because due to the 144 section. Okay. They don't have any kind of. No. They should not do. They don't have the permission. Okay, so what next? That are you going to hey, order nah, the leader? Yeah, that's what the leader, FSDP leader will take the और जी मीडिया संवाददाता जयपाल शर्मा हमारे साथ हैं। जयपाल, चुनावी प्रचार तो थम गया, लेकिन वोट पड़ने के 24 घंटे पहले से ही एक्शन जरूर बरकरार है यहां पर, और जो पाठ पर रोक लगाई है कर्नाटक वोटिंग से पहले ईसी ने, कैसी हलचल आज देखने को मिल रही है आपको इलेक्शन से एक दिन पहले वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है अगर हम बात करें वोटिंग की, तो अभी से 16-17 घंटे का वक्त बचा है। उसके बाद जो है कर्नाटक चुनाव में चुनाव शुरू हो जाएंगे। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी और शाम 6 बजे तक चलेगी। प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां की गई हैं, चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं। लगभग 75,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। लगभग 900 के आसपास जो है महिलाओं के लिए विशेष बूथ बनाए गए हैं। 75,000 से ज्यादा ईवीएम मशीन्स का उपयोग किया जाएगा इसके अंदर में, और लगभग 1.5 लाख जो पुलिस पर्सनल, जिनमें की 650 कंपनियां सैनिक और अर्धसैनिक बलों की हैं, उनको भी डिप्यूट किया गया है। प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, इंतजार है चुनाव का। लेकिन इससे ठीक पहले जो है बजरंग दल के द्वारा जो है आज एक पूरे देश के अंदर में हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया गया था। कहा गया था कि आज मंगलवार का दिन है और सभी जगह पर सभी मंदिरों के अंदर में या सभी घरों के अंदर में बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। बेंगलोर के विजयनगर चैप्टर जो है बजरंग दल का, वो आज थोड़े ज्यादा ही उत्साहित हो गए और उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ सड़क के ऊपर शुरू कर दिया। हालांकि उनके बजरंग दल के जो सदस्य थे उनकी संख्या लगभग 25-30 के आसपास हो गई। सड़कों पे ये पाठ हो रहा था, मीडिया उनको कवर कर रही थी। इसी बीच इलेक्शन कमीशन की टीम वहां पहुंची और उन्होंने उस हनुमान चालीसा के पाठ को बंद करा दिया। इलेक्शन कमीशन की टीम का साफ तौर पे कहना था कि उन्हें भजन से कोई एतराज नहीं है, क्योंकि ये कोई राजनीति से जुड़ी हुई चीज नहीं है, ये धर्म से जुड़ी हुई चीज है। लेकिन जिस क्षेत्र के अंदर में चुनाव होते हैं उससे 48 घंटे पहले धारा 144 लागू कर दी जाती है, जिसका अर्थ है कि सड़क के ऊपर 4 या उससे अधिक आदमी एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, जबकि वहां पर काफी भीड़ लगी हुई थी। ऐसे में इलेक्शन कमीशन को यह कार्रवाई करनी पड़ी। उसके साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की थोड़ी सी बहस भी हुई, पर जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर वो उनकी बात को नहीं मानेंगे तो उन्हें मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा, ऐसे में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हनुमान चालीसा का पाठ बंद करना पड़ा। और एक तरह से कहा जाए तो बाकी सब जगहों पर, जहां पर कर्नाटक के अंदर में बात करें, शोभा कारंदलाजे या मुख्यमंत्री खुद बसवराज बोम्मई, उन्होंने अलग अलग जगह पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, लेकिन वो मंदिरों के अंदर में था या किसी घर के अंदर में था, यानी कि जिस पर कि चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन इस तरह से शारीरिक रूप से पाठ करने के बाद जो है एक नया विवाद खड़ा हो गया एक तरह से। हालांकि अगर कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन का ये सही कदम था और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हनुमान चालीसा का पाठ बंद करना पड़ा। जी बिल्कुल, धन्यवाद करेंगे जयपाल। आज की कैसी हलचल, क्या सरगर्मी वोटिंग से पहले वहां पर कर्नाटक में देखने को मिल रही है, ये अपडेट हमें देने के